तो मेरे जान आदि पुरुष का पूरा ट्रेलर लीक हो चुका है। इस बात की खबर तो तुम लोगों को भी अब तक लग चुकी होगी। पहले तो मुझे भी लगा कि शायद ये कोई नया सी गुफा होगा, कोई नया शोशा होगा मेकर्स का, बट लिटरली लीक ट्रेलर के क्लिप्स इंटरनेट पर छाई हुई हैं और इस वीडियो में हम इसी लीक ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरा और मेकर्स ने इसमें क्या क्या स्मार्ट गेम खेले। इस वीडियो में हम ट्रेलर के VFX या CGI पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल रिकॉर्डेड ट्रेलर के सहारे इन सब चीज़ों को जज करना बेवकूफ़ी होगी, तो उसके लिए तो इसके ट्रेलर के ऑफिशियली लॉन्च होने का वेट करना पड़ेगा और वो हम करेंगे भी। वैसे भी अब सीधा सीधा धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि अगर CGI या VFX के बारे में कुछ भी बोला तो चैनल को मास रिपोर्ट मार दिया जाएगा भाई। तो भाई इन लोगों से भी डरना पड़ेगा, है ना? ठीक है, समझ गया। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है बात करने के लिए और मोस्टली चीजें हम लोगों को पहले से ही पता थी। हम लोग मतलब नट ट्रिनिटी के सदस्य और जो हमारी नट ट्रिनिटी की पॉडकास्ट देखते हैं वो ऑडियंस, इसलिए बोलता हूं कि अगर औरों से चार कदम आगे रहना है और मूवीज के बारे में और भी भविष्यवाणियां जाननी है तो नट ट्रिनिटी के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हमने लेटेस्ट वीडियो में ये बात की थी कि पॉसिबली हमें ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिल सकता है। ट्रेलर को और उस वीडियो को मैच कर लेना 100% मैच हो जाएंगे। अब देखो आदि पुरुष के टीजर को मिले रिस्पॉन्स के बाद मेकर्स को भी समझ आ गया था कि कहां पे प्रॉब्लम हुई है। अब वो अलग बात है कि वो लोग पब्लिकली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने इसके पोस्टर्स को इम्प्रूव करके एक माहौल बनाने की कोशिश की पॉजिटिव वाला, जिसमें कि वो नो डाउट काफी हद तक सफल भी हुए। हमें एक एक कैरेक्टर के पोस्टर्स देखने को मिले, पहले राम दरबार, फिर बजरंग बली, फिर मां सीता। काफी लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ट्रेलर से पहले हमें रावण का भी एक फुल फ्लेज कैरेक्टर पोस्टर देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने पहले बोल दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला। रावण का हमें बिल्कुल भी कोई पोस्टर देखने को नहीं मिलेगा, इवन ट्रेलर में भी हमें रावण देखने को नहीं मिलने वाला, और वही हुआ भी। और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मेकर्स को पता है कि इन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है और उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स। और रावण का किरदार सिर्फ रामायण की कहानी में नहीं बल्कि आदि पुरुष के मेकर्स के लिए भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हो गया है। टीजर रिलीज के बाद के टाइम से ही यही वो कैरेक्टर था जिसको सबसे ज्यादा बैकलैश मिला और के ऊपर इंटरव्यूज दे के मेकर्स ने दुनिया भर की क्लेरिफिकेशंस भी दी। तो ऐसे में रावण यानी कि लंकेश के कैरेक्टर का फुल फ्लेश पोस्टर दिखा के या ट्रेलर में रावण को ढंग से दिखा के मेकर्स अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों ही मारेंगे भाई। जब मूवीज के पॉजिटिव किरदारों की वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ मार्केट में मूवी को लेकर, तो ऑब्वियसली मेकर्स उसी पे खेलेंगे। तो ट्रेलर में भी हमें एज एक्सपेक्टेड वही सब देखने को मिला। तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स ट्रेलर में दिखे या यूं कहूं कि जिन पॉइंट्स के ऊपर ट्रेलर के एडिटर ने बड़ा ही स्मार्टली गेम खेला वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जिसने टीजर के टाइम भी हमें एक पॉजिटिव वाइब दी थी इसके बारे में, और बाद में भी जब जय श्री राम की थीम का एक्सटेंडेड वर्जन हमें सुनने को मिला तो उसने भी उसी पॉजिटिविटी को एनहांस किया था। तो वो तो काफी ऑब्वियस था कि उसको ये लोग बढ़िया ही यूज करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा जो हमें देखने को मिला उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रभास फैक्टर। अब चूंकि मूवी आदि पुरुष यानी कि प्रभु श्री राम के बारे में है तो प्रभास जो कि राघव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमेगी ऑब्वियसली, और सेम ट्रेलर भी उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ प्रभास फैंस के सामने मेकर्स ने जिस राघव के कैरेक्टर के वो पहलू प्रस्तुत किए हैं जो वो पहले से जानते थे, वो देख के तुम लोग भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। अब देखो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है कि प्रभास को हम सब इतना क्यों पसंद करते हैं। ऑब्वियसली उनकी बाहुबली वाली छवि की वजह से। I mean, उस मूवी में अगर देखा जाए तो उनका कैरेक्टर एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह ही बिहेव करता है, वचन का पालन करने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला, छोटे बड़ों में भेद ना करने वाला और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ डालने वाले का गला काटने वाला। तो प्रभास की उसी इमेज को इस ट्रेलर में भी हमारे सामने रखा गया है। ट्रेलर में हमें शबरी के जूठे बेर खाने वाला सीन दिखाया गया है जिसको देख के तुम्हें बाहुबली का वो कटप्पा को मामा बोल के उनके साथ खाना खाने वाला सीन याद आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि ना तो श्री राम छोटे बड़ों में कोई भेद करते हैं और ना ही बाहुबली। फिर इसके बाद एक और सीन है जहां पर राम सेतु बनाते वक्त प्रभास यानी कि राघव अपनी वानर सेना को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिसको देख के तुम लोगों को 100% बाहुबली मूवी का वो नगर में ढिंडोरा पिटवा दो काका और काल के युद्ध के समय बाहुबली का अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने वाला सीन याद आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस भी है और यही वो छवि है प्रभास की जो दर्शक देखना भी चाहते हैं। नो डाउट मैं भी देखना चाहता हूं। आई थिंक शायद इसी छवि को देख के ओम राउत साहब ने भी प्रभास को श्रीराम कास्ट करने का निर्णय लिया होगा और उनका ये निर्णय गलत था भी नहीं। खैर प्रभास के अलावा जो दूसरा कैरेक्टर हमें इस पूरे ट्रेलर में फोकस में दिखा, अब याद करो सबसे पहले आदि पुरुष के लिए पॉजिटिव माहौल कब बनना शुरू हुआ था, किस कैरेक्टर के लुक के बाद? जी हां, बजरंगबली के इस पोस्टर के बाद। तो बस मेकर्स ने ट्रेलर में भी बजरंगबली के सीन भर के डाले हैं। संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उखाड़ देना, लंका दहन करना, माता सीता के सामने श्रीराम का संदेश लेके अपने विराट रूप में
में जाना। और भी कई सारे शॉर्ट्स हैं लंका वॉर के। फिर जो लेटेस्ट पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें माता जानकी को देख के हम इमोशनल हो गए थे, तो उन इमोशंस को और हवा देने के लिए ट्रेलर में माता सीता के शॉर्ट्स को भी काफी यूज किया गया है। यानी कि कुल मिला के पूरे ट्रेलर में उस एक इमोशन को ही प्राइमरी फॉर्म में यूज किया गया है जिसको हम लोग श्री राम की कहानी यानी कि रामायण के साथ कनेक्ट के रूप में देखते हैं। यानी कि पूरे ट्रेलर में एम्पैथी और वीर रस को भर भर के यूज किया गया है और ह्यूमन एंगल पे पूरा फोकस किया गया है। और जितना ट्रेलर मुझे देखने को मिला, मतलब वैसे तो पूरे ट्रेलर की लेंथ लगभग 3 मिनट 22 सेकंड की है, बट मुझे जो देखने को मिल पाया वो था लगभग 2 मिनट 13 सेकंड के आसपास। यानी कि शुरू का 1 मिनट नहीं देख पाया मैं, उसमें हो सकता है कुछ अलग दिखाया वो भी जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन जितना मैंने देखा उस हिसाब से इस पूरे ट्रेलर की टाइमलाइन ऑलमोस्ट सीता हरण के बाद की है। और रामायण का यही वो पार्ट है जो हमारे अंदर के दुख को इस कहानी के नायक श्री राम के दुख के साथ कनेक्ट करता है। यानी कि एडिटर ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं डाला जाए जिसको लेके कोई नई कंट्रोवर्सी पैदा हो या इस मूवी को लेके नेगेटिविटी जनरेट हो। रावण का सिर्फ एक बैक शॉट है, वो भी ट्रेलर के एकदम लास्ट में, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हाँ, इस लीक ट्रेलर के जरिए काफी स्मार्ट खेला है मेकर्स ने। वैसे VFX और CGI के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन तब जब ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, क्योंकि जो सच होगा वो बोला जाएगा। तो बस इंतजार है इसके ऑफिशियल ट्रेलर के आने का। सिर्फ CGI और VFX पे ही बात नहीं होगी, उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करनी है, लेकिन वो भी करेंगे धीरे धीरे। तो अगर तुम्हें सच सुनना पसंद है तो चैनल को सपोर्ट करो, इसे शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताओ कि तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।